सतगुरु देव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। भारत जहाँ धरती पर दिव्यता का निवास है, वहाँ नवरात्रि का त्योहार केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि शक्ति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार 9 दिन मनाया जाने वाला माँ दुर्गा के 9 रूपों का यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार देवी दुर्गा की आराधना के लिए साल भर में 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं, चैत्र, शारदीय, माघगुप्त और आषाढ़गुप्त। इनमें सबसे विशेष मानी जाती है चैत्र और शारदीय नवरात्रि, और ज्यादातर लोग इन्हीं 2 नवरात्रियों को विशेष रूप से मनाते हैं। उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और गुजरात में शारदीय नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। बंगाल की दुर्गा पूजा और गुजरात का गरबा डांडिया इस पर्व की शान माने जाते हैं। भारतवर्ष जहां हर कोने में आध्यात्मिकता की धारा बहती है, क्या हम उस असली संदेश को समझ पाए हैं जिसे देवी दुर्गा हमें देना चाहती हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि का पर्व हम सदियों से मना रहे हैं, क्या यह सच में पवित्र शास्त्रों के अनुकूल है? क्या देवी दुर्गा की उपासना के ये 9 दिन हमें वास्तव में वह शांति और शक्ति प्रदान करते हैं, या फिर हम सिर्फ रीति रिवाजों में ही उलझ कर रह गए हैं? दर्शकों, शारदीय नवरात्रि का यह पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष एकम से शुरू होकर विजयादशमी तक चलता है। आज हम नवरात्रि से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले प्रश्नों के उत्तर गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या ये धार्मिक क्रियाएं जैसे कलश स्थापना, दुर्गा पूजा, सप्तशती पाठ, व्रत, जागरण, कन्या पूजन, डांडिया गरबा और हवन आदि शास्त्र सम्मत हैं? क्या साधक को इनसे अपेक्षित लाभ मिल सकता है? शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा जैसे कलश स्थापना, दुर्गा पूजा, सप्तशती पाठ, जागरण, कन्या पूजन, डांडिया गरबा और हवन आदि को श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये क्रियाएं केवल लोक मान्यताओं पर आधारित हैं, क्योंकि शास्त्रों में इनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, जिससे ये मनमानी क्रियाएं कहलाती हैं, जिसके विषय में गीता में क्या कहा गया है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24 मतलब, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। साथ ही नवरात्रि के दौरान साधक 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमद्भगवद्गीता में व्रत करने के लिए मना किया गया है? आइए देखते हैं
कि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में क्या कहा गया है। अब 16 में कहा है कि अर्जुन ने तो अर्जुन यह योग ने तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो अब यह एकांतम है ना, ये देखो न अति अंश असनत तो योग अस्ति च न एकांतम अनशत न अंशत यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न गणा खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का यह योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम माने एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का यह योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब सवसम वेद में कहते हैं, प्रथम अंजल संयम राखे योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे, व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा पड़के सो जा जमाई आवे, और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए फिर भूख लागे कतर कतर कल जा करें जा ध्यान भूख पर रहे, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आंत मुस जा, और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे, संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुत्या उठे आँख खुल जा परमात्मा का मंत्र करे दो चार जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे, खाना खान लगे तो मालिक की आरती अन्न की अन्नदेव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने पाँच चार मंत्रों का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना है, फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरन शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। तो दर्शकों इसका अर्थ है कि साधक जो व्रत पूजा और अनुष्ठान कर रहे हैं वे शास्त्रों के अनुसार मनमाना आचरण हैं, जो न केवल व्यर्थ हैं, बल्कि साधक को वास्तविक लाभ से भी वंचित रखते हैं। सवाल नंबर 2, क्या नवरात्रि मनाने से वास्तव में देवी माँ की कृपा प्राप्त हो सकती है? शास्त्रों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के कौन से मूल मंत्र दिए गए हैं जो साधक को सच्चे अर्थ में लाभ पहुंचा सकते हैं? लोक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र बताए गए हैं जो समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं, जैसे ओम दू दुर्गाय नमः, ओम जय दुर्गा, ओम त्र्यंबकम यजामहे आदि। दर्शकों ध्यान देने योग्य है कि ये मंत्र और ये क्रियाएं वेद व गीता में कहीं प्रमाणित नहीं है, इसलिए यह सब मनमाना आचरण है और व्यर्थ है। वास्तव में दुर्गा जी समेत यहाँ की 5 प्रधान शक्तियों के मूल मंत्र कौन से हैं देखिए। इन सभी शंकराचार्यों को तथा हिंदू धर्म के इन सभी कथावाचकों धर्म गुरुओं और प्रचारकों को द्वादश अक्षर मंत्र की जानकारी नहीं है जो इन्हीं 5 देवी देवताओं की साधना के यथार्थ मंत्र हैं। सभी शंकराचार्य तथा हिंदू धर्म के ये सभी कथावाचक धर्म गुरु और प्रचारक इन देवी देवताओं का मूल मंत्र इस द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय को माने बैठे हैं और इसी मंत्र का जाप करके मोक्ष की आस लगाए बैठे हैं। यदि सभी शंकराचार्यों तथा हिंदू धर्म के इन प्रचारकों की बात को सत्य माना जाए तो ये मंत्र 5 देवताओं की भक्ति अर्थात साधना का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंत्र तो केवल वासुदेव के लिए है।
जिसे सभी शंकराचार्य जी श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के तौर पर मानते हैं, जबकि शंकराचार्य जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य 5 देवी देवता हैं, जो काल ब्रह्म की सब व्यवस्थाओं को संभालते हैं और यही 5 देवता इस लोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। दर्शकों, इन 5 देव साधना के यथार्थ द्वादश अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं मनु और सतरूपा जी इन 5 देवी देवताओं के कौन से द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों, मनु और सतरूपा जी सतयुग के आदि में 5 देव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के द्वादश अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ओम किलिम हरिम श्रीम सोहम। दर्शकों, इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे, ये जो ओम शब्द है इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो 4 शब्द है और न ही 6 शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने द्वादश अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ ये किलियम शब्द और ये किलिम शब्द दोनों ही श्री गणेश जी के मूल मंत्र का बोध करवा रहे हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप ये देखकर भ्रमित न हो कि एक ही मंत्र अलग अलग तरह से क्यों लिखा अथवा बोला गया है। दर्शकों, ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के द्वादश अक्षर मंत्र हैं। इन मंत्रों को केवल पूर्ण संत से लेकर ही जाप किया जाता है। तत्वदर्शी संत ही इन मंत्रों को जाप करने की विधि बताता है। आपको शंका हो सकती है कि इन मंत्रों का प्रमाण और किस ग्रंथ में है। दर्शकों, ये तो प्रमाणित हो ही चुका है कि आदि सनातनी पूजा के अंतर्गत आने वाले इन द्वादश अक्षर मंत्रों को सतयुग के आदि में सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा ने मनु
और सतरूपा को दिया था, जिसके कुछ वर्ष बाद ये भक्ति लुप्त हो गई। इसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक 1 व 2 में कहा है कि मैंने इस अविनाशी भक्ति मार्ग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस भक्ति मार्ग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग अर्थात भक्ति मार्ग बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में समाप्त हो गया। दर्शकों, यही द्वादश अक्षर मंत्र कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप अपने शिष्यों को दिया था, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन द्वादश अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलारा है, स्वाद चक्र शट दल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है, नाभि अष्ट कमल दल साझा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, द्वादश कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जय कारा है, षोडश दल कमल कंठ के माही, तेही मध्य बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां श्रीम नाम उचारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपा जी करते थे। यहां संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं द्वादश अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन द्वादश अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया, जिसके बाद फिर से इन द्वादश अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीब दास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन द्वादश अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए गरीब दास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए, ये है ब्रह्म कला अंग, जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए, ये है मुक्ति मुद्रा अंग, जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप परमात्मा कबीर जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक 35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही द्वादश अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहां पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। दर्शकों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी असली पासपोर्ट की फोटो देखकर खुद से पासपोर्ट बनाने लग जाए या किसी अनधिकारी से हस्ताक्षर करवा के पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये उसका व्यर्थ प्रयत्न होगा, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों,
ये द्वादश अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं, जबकि ये तमाम धर्म गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बताकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण जी का यथार्थ मंत्र मानकर जप रहे हैं, जबकि खुद शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में पंचदेव साधना बताई गई है। कोई धर्म गुरु केवल श्री कृष्ण जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, कोई शिव जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी, महाराज श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी के सहित ये पंचदेव साधना की यथार्थ भक्ति बता रहे हैं। इन धर्म गुरुओं ने जीवन भर आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि प्रणाम वाक्य जपवाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि ये यथार्थ मंत्र हैं ही नहीं, आपकी पुकार इन देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही। सवाल नंबर 3, क्या नवरात्रि पूजा वास्तव में साधक के प्रारब्ध कर्मों में बदलाव ला सकती है या यह मात्र एक परंपरा है? साथ ही क्या नवरात्रि के अनुष्ठान भविष्य में आने वाले संकटों का निवारण कर सकते हैं? नवरात्रि के अनुष्ठान जैसे व्रत, पूजा और अन्य क्रियाएं साधकों की आस्था से जुड़ी होती हैं। हालांकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि इन पूजा पाठों से प्रारब्ध कर्मों में परिवर्तन हो सकता है, इसीलिए नवरात्रि पूजा की बाहरी गतिविधियों के बजाय साधक को अपनी आस्था को सही दिशा में लगाने और शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। इससे न केवल मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति के साथ साथ पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। हिंदू धर्म में तथाकथित धर्मगुरु और देवी दुर्गा के भक्तों का मानना है कि उनकी भक्ति से प्रारब्ध के कर्म कट सकते हैं, लेकिन क्या देवी जी इतनी समर्थ हैं? वास्तव में सच यह है कि देवी दुर्गा और अन्य देवी देवता प्रारब्ध के कर्मों को मिटाने या भविष्य के संकटों को टालने में असमर्थ हैं। आपको ये वो अनमोल ग्रंथ, वो अनमोल खजाना प्राप्त हुआ जो हमारे ही घरों में दबा हुआ था, और उस खजाने को ना मिलने से हम मजदूर बने फिरे थे, भिखारी बने फिरे थे, कि तो हनुमान जी का आगा हाथ जोड़े थे, दिए बाबा छोरा दे दे, कोठी दे दे, हर वो हनुमान राप पर लंगोट मांडा करते, हमने के देंगे बता। अब कहने का भाव ये है दास का कि हम उनसे मांगते फिर रहते जो कुछ दे नहीं सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या दे सकते हैं? आपकी जन्म मृत्यु ये नहीं समाप्त कर सकते, आपके संस्कार में कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ये अपनों में नहीं कर सके। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, अब यहाँ काल ने सबकी गांठ बांध रखी है। पहले तो श्रृंगार दे है, इनको प्रेरणा देता है, भाई भक्ति करनी चाहिए, क्यों ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा के लिए, आत्मा विभोर हो जाती है, तड़प उठती है, चाहे राज त्यागना पड़ो, चाहे शीश देना पड़ो, क्योंकि उसके बिना इसका पेटा भर है को नहीं, इसको संतुष्टि हो ही नहीं सकती, वो मालिक मिले बिना। कितना सुख हो जब उसको ज्ञान होगा तो एकदम इंगड़ाई लेती है आत्मा, अको वस्तु तो वो है जिस वस्तु को राजाओं ने भी चाहा, तो कितना अनमोल वस्तु है, और हम राज चाह रहे हैं, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही हमारी, बिना ज्ञान के डड़े ढो रहे हैं। अब नारद जी ने पता लगा ज्ञान हुआ तो जंगल में जा बैठा। अब उसने ये सोचा, क्योंकि इन ऋषियों की बुद्धि काल के हाथ में थी, इन पर डड़े डुआव था। अब जैसे ये बच्चे ज्ञान सुनते थे नारद और ऋषियों से, दक्ष आदि से, तो वो क्या बताते थे, भाई परमात्मा की भक्ति बिना गुजारा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, ये है। और फिर ये कहते थे भाई ये विकार इसमें बहुत बड़े बाधक हैं, ये भक्ति नहीं करने देते। तो नारद जी ने सोचा पहले इन विकारा ने ठीक करूं, जंगल में जा बैठा, निराहार रह गया, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, और 10-12 वर्ष खूब अपनी साधना की। तो उसने आप पे फैसला कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, इनका टेस्ट हुआ करता, आप पे नहीं बोला कि अब मैंने जीत ली सब इंद्रियों को, अब मैं बिल्कुल वासनाओं से रहित हो चुका। अब वो आ गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा पिताजी अब मैंने अपने विकारों पर काबू पा लिया है,
मैंने जीत ली है ये माया, अब मैं भगत बनूंगा। ब्रह्मा जी को तो पता था कि यहाँ पर बुरा हाल है जीव का, और जब जवान बेटा इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये तू गलत सोच रहा है, तो मन मान ये गुस्सा हो जाए, और गुस्सा होने से इनके पास काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, इनको विषैले सर्प बना देता है। ब्रह्मा को डर था जैतने इसके इसकी अब जो स्थिति में यू खड़ा है, और एक शब्द भी नो कह दिया कि तू गलत कह रहा है तो मुझे श्राप दे दिया हनुमान ने, यानी इनके पास ये श्राप शक्ति भर देता है काल सिद्धि से, ये इनकी जो हठ योग से सिद्धि आती है। ब्रह्मा जी चुप रहे, आने बोला बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें बताया नहीं करते। अब वो कह तू था भाई कितने कह देगा विष्णु जी आदि किसी के पास, फिर वो इसकी देही तोड़ेंगे यानी इसकी वीरान मट्टी कर देंगे। उसने कहा बेटा ठीक है, तू ऐसा करना कहीं जिक्र ना करना। अक नहीं जी क्यों ना करूं, मैंने तो विजय पा ली है, ढोल के डंके से कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तू विष्णु जी के सामने मत कहना। अक अच्छा जी, अब वहाँ तो कह दिया अच्छा जी पहुँचा, बालक की ये वृत्ति हो है, किसी को नू कह देना कि इस बक्से ना खोलिए, माँ बाप के जाते पहले उस सन खोल लगा, यह एक ऐसी वृत्ति हो उस बालक में जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो वो सीधा विष्णु जी के लोक में गया नारद जी। अब भगवान विष्णु ने कहा आओ महात्मा आओ बैठो, कैसे आए बच्चा? अब जी मैं साधना करके आया हूँ। कहा मुझे पता चला था भक्ति करने गए हुए। हाँ जी, और बहुत अच्छा आपने क्या उपलब्धि की कि सब विकारों को सब वासनाओं को माया को मैंने जीत लिया है, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात बेटा, साधु संत का प्रथम कर्तव्य तो यही होता है इसमें विकारों विजय पा। अब जब तो नारद जी तो कह के आ गया, एक रिमोट काल के हाथ में विष्णु रखा, फिर पाछे तक काल ना प्रेरणा कर दी, उसको इस चिंता बनी रहती है कि अगर ये ब्रह्मचारी पद में पहुंचने लग गए सारे, अरे बालक बच्चे कौन पैदा करेगा मैं खाऊंगा कि। तो इसने विष्णु में बर्दी फूक कि इसको तो अभिमान हो गया, चल इसको अभी ठीक करता हूँ। विष्णु जी ने काल प्रेरणा से एक मायावी नगरी रच दी अपनी सिद्धि तय, 16 कला के भगवान है ये, और वहाँ पर एक राजा का स्वयंवर रच दिया, राजा की लड़की का स्वयंवर, दूर दूर से देश के नौजवान बच्चे आए हुए थे शादी करने के लिए। स्वयंवर का अर्थ होता था कि लड़की स्वयं अपना पति चुना करती थी अपने पसंद का, माँ बाप के सिर से उलाना उठ जाता था कि ऐसा ढूंढा, वो खत्म हो जाती थी इस तरह की समस्या। अब नारद जी उसी नगरी से गुजरा, अरब्या के गीत बहुत बुंडे हो हैं, आम आदमी में प्रेरणा हो जाए, सारे श्रृंगार करके औरतें गाने गा रही हैं, बहुत सुंदर नगर सजा रखा है। नारद जी ने पूछा भाई क्या हो रहा है? वहाँ बताया नागरिकों ने कि भाई यहाँ एक राजा की लड़की बहुत सुंदर है, अप्सरा आई है समझो ऐसी है, और उसका विवाह हो रहा है। अब नारद जी के भी उठी अंगड़ाई, उसने सोचा रहे ब्याह भी करवा के देख लें कि बुंडी बात से पिताजी ने करवा रखा, चाचा जी ने करवा रखा, छोटे चाचा जी ने करवा रखा, क्या फर्क पड़े हैं, पिताजी ब्रह्मा जी, चाचा इसका विष्णु जी, छोटा चाचा शंकर जी, सारे विवाह कराए बैठे। तो इस प्रेरणा से वो भूल भाल गया अपने उद्देश्य ने। फिर उसने सोचा यह लड़की मुझे पसंद कैसे करेगी, इतना लंबा छोटा कचकोल कटा रखा। तो उसने सोचा भाई तू भगवान से विष्णु जी से उनका रूप मांग ले, बहुत सुंदर है भगवान। तो वो जा करके एक बनी में बाहर अर्ज करी, भगवान विष्णु प्रगट हो गए। कहा भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, और आज मुझे मैं आज कुछ मांगना चाहता हूँ, अकमांग अग्ना वचनबद्ध हो जाओ हो गया, आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा
कि मैं सबसे एंडसम हो गया इवे, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जज के कुर्सी पे। अब लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उसे आगे गुजर गई, आगे निकल गई। उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखे। अब वहाँ से उठ के खाली कुर्सी और थी वहाँ जा बैठा, अकी भी दर्शा होगी जब दिखूँगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई थोड़ी सी पीछे हो केवल के। अब वह सकल उसको ढूंढर लागे कहते मार दें तू रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, ने बोला भगत अपनी शकल देख, वो शीशा दिखा उसने पानी दिखाया कटोरे में, अपनी शकल देख करा तू क्या हमने डर लागे न रहा तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगे तेरे थे। जब उसने देखा तसला अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो यो। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया और 100 गाली सुना दी विष्णु के होके, तू छलिया है छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तू किसी को बसता देख कर खुश नहीं है, और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुँह लगाया है, और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूँ, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा व्यतीत करेगा। अपने आत्माओं, नारद जी पहले तो सिंगर कर गया था मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का आगे घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा, और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस श्राप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के श्राप। ये तीन ताप होते हैं, इन तीन तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई गाल गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे, तो उनको भी ये भगवान तीन ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो तीन ताप का नाश भी कर सकता है, आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है। तो भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र रूप में पूरा दुख उठाया, अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन व्यतीत किया, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ, 12 वर्ष वो रही वहाँ रावण के बाग में, युद्ध करके मार मुड़ के रावण को वापस लाए, 2 वर्ष के बाद फिर त्याग दी, घर से निकाल दी गर्भवती अपनी पत्नी। अब पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में, और पति अयोध्या का राजा, जिसका परिवार कहीं हो और वो राजा कितना ही अच्छा लगता हो उसका जीवन नरक तुल्य होता है। अंत में भी नहीं मिल पाए दोनों के दोनों, सीता समा गई पृथ्वी में और श्री राम अर्थात विष्णु जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसमें छलांग लगा के जीवन अंत किया। फिर श्री राम रूप में बाली को मारा था श्री विष्णु जी ने, यानी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा, श्री कृष्ण रूप में आए वही, और एक शिकारी जो बाली वाली आत्मा थी वो शिकारी बना हुआ था, विषाक्त जहर से युक्त उसका तीर था, वो श्री कृष्ण के पैर में मार के उनका वध किया, अपना टिट फॉर टैट लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीन मुतापम। वही गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक बारंबार उत्पत्ति नाश वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र जो यह नहीं जानते वे मुझे प्राप्त होकर भी फिर जन्मते हैं। यानी ब्रह्मलोक तक जितने लोक जैसे स्वर्ग पृथ्वी पाताल ब्रह्मा का लोक
विष्णु लोक, शिव लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक आदि तथा इनमें निवास करने वाले देवी देवता आदि हैं, वे सभी जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हैं। तो जब ये स्वयं अपने प्रारब्ध कर्मों को नहीं बदल सकते तो अपने भक्तों का कैसे बदल देंगे? दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने साधकों के प्रारब्ध कर्मों को न तो बदल सकते हैं और न ही आने वाले संकटों को दूर कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, स्वयं देवी दुर्गा जी ने अपनी भक्ति को लेकर क्या कहा है? पूरा हिंदू समाज देवी दुर्गा की विभिन्न रूपों में पूजा करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, देवी महापुराण के 7वें स्कंध के अध्याय 36 पर स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि श्री देवी जी स्वयं राजा हिमालय को अपनी पूजा करने से मना कर रही हैं। आइए इसका प्रमाण देखते हैं। अब देखिएगा, ये 7वां स्कंध 562 पृष्ठ पर, और ये संक्षिप्त देवी भागवत है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब हम यहां से लेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो इन दुर्गा को कितना ज्ञान है, ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को चाहे ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य, उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सोमे उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो, अक्षर रूप ब्रह्म को ही। और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है, यानी जीवात्मा जीव जो है ओम का जाप करे ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे, इससे ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, गीता अक्षर ब्रह्म कह रही है, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ परब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म, और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा, अपने
कौन कितने पानी में है। और के क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते हैं वो ब्रह्म लोक में रहता है। यानी देवी दुर्गा जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं, और एक ब्रह्म की भक्ति करने के लिए श्रीमद देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में हिमालय राजा को उपदेश दे रही हैं, जबकि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाला सत स्थान धाम लोक को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में कहा है कि संपूर्ण गोपनियों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा, इसे सुन, यह पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में कहा है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है उस सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। दर्शकों, गीता ज्ञान बोलने वाला अक्षर ब्रह्म अर्थात काल निरंजन है, जिसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए कबीर बड़ा या कृष्ण वीडियो अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गीता बोलने वाला ब्रह्म स्वयं परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कह रहा है तथा स्वयं भी स्वीकार कर रहा है कि मैं भी उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में हूं। अब सवाल यह उठता है कि वह पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कौन है, उसकी भक्ति की सही विधि क्या है, और कौन सा संत हमें इस सत्य ज्ञान की सही जानकारी दे सकता है। सवाल नंबर 5, वह पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कौन है जिसकी भक्ति से सभी सुख और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही वह कौन सी विधि है जो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताई गई है। हमारे समाज में परमात्मा के बारे में कई धारणाएं फैली हुई हैं। वास्तविक सुख और मोक्ष की प्राप्ति केवल पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी की सच्ची भक्ति से ही संभव है। देखिए कबीर परमात्मा का वेदों में प्रमाण। तो ये दास आपको ये पहचान करना चाहता है कि कबीर इज गॉड, और ये वो परमात्मा जो बनारस में आपने के एक दुलासा दिखा था, ये मालिक थे, पूर्ण परमात्मा थे, इसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ऐसे लीला करता है। यहाँ देखिए वो सह शरीर आते हैं, ये ऋग्वेद मंडल नंबर आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिखा, ये कहाँ से प्रकाशित है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली 2 से, ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। यह इन्होंने गलत लिखा है कि इसका भाषा आर्य भाषा यानी अनुवाद महर्षि दान सरस्वती नहीं किया इन दोनों का, ये किसी और ने किया, फिर भी देखो इसके मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली, ये इनके फोन फैक्स नंबर है। इसमें हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में, और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान इनके शब्दों में, अपने रूप को
सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अपुण्य आत्माओं ये स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा जो सत साधना करते हैं उनके सब उनके रस्तों को सुगम करता है, उनकी बाधाओं को टालता है और उन पर आने वाले संकटों का निवारण करता है। वो परमात्मा कबीर देव है, वो कबीर देव जैसे कवि, अब कबीर कबीर देव, हम इसको कबीर देव माने परमेश्वर और हम कबीर कबीर जैसे संस्कृत में जो कबीर है कवि, कबीर देव है जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में कबीर देव लिखा है, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 इसका मंत्र नंबर 1 आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट है ये लिखा पर कबीर देव, जो कबीर देव है, देव माने परमेश्वर और कबीर, ये कबीर को कवि कहते हैं, हम कबीर देव सीधा लेने लगे कबीर देव क्योंकि वो कवि कहलाता है, अपनी बात अपनी ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम के बोलने से वो कवि कहलाता है परमात्मा, जो कबीर देव नाम उस भगवान का कबीर देव, तो ये हम इसको कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो कबीर देव हम इसको कबीर साहब कहने लगे, साहब को चाहे देव कहो भगवान कहो गॉड कहो, तो हम इसको कबीर देव यानी ये चाहे संस्कृत के ज्ञाता इसको कवि बना दें तो कवि, वो कवि तो कवि हम फिर भी कहना पड़ेगा, वो तो लोकोक्तियों के माध्यम से कवि रूप में प्रकट होता है जो भगवान, जो यहाँ कविताओं के माध्यम से अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से उस यथार्थ ज्ञान को जो प्रचार करता है वो परमात्मा, उसको उसका नाम ही कबीर कबीर साहब है, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। तो संस्कृत में वेद उसको कबीर देव कहते हैं कि वो कवि कवि साहब कवि साहब कवि साहब, ये कवि साहब मान लें जो ज़्यादा एंडमेंड करते हैं संस्कृत में, व्याकरण ऐसे है व्याकरण नहीं जानता, व्याकरण क्या कर लेगी इसमें, अब तुम कवि कवि कह रहे कवि, हम कवि साहब, हम कबीर साहब कहें तुम कवि साहब कह दो। वो जो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से आकर के ज्ञान देता है, कविताओं के माध्यम से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी पाता है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो बनारस में आया था, हम वो कहते हैं वो ही है, वो कवि देव तू जिसने तुम कवि को हो, हम वो हम उसने कबीर साहब कहा, इतनी सी बात है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 आपने पढ़ लिया, 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया कि यज्ञ, ये देखो यहां भी कबीर अत्यो, यहां भी कबीर लिखा है, ये कबीर देव है कबीर अत्यो, हम इसको कबीर देव कहने लगे कबीर साहब है, इन्होंने इसका अर्थ यहां लिख लिया संधि छेद कर कबीर कर दिया, कबीर कवि ही, हम इसको कबीर देव लिख दें यहां पर, वो कवि साहब है कबीर साहब नथिंग एल्स। यज्ञ करने वाले, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ यानी उनके सब दुखों का उनके रास्ते खोल देता है भक्ति के, उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, सत्साधना करते हैं उनकी और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, परमात्मा साकार है
अपने रूप को, क्योंकि सतलोक में उसका रूप बहुत तेजों में है, एक रोम कूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतना तेज है उनका, लेकिन उसको हल्का तेज पुंज का बनाकर, तेज पुंज अलग से रूप बनाकर, हल्का रूप बनाकर अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर वह कांति में परमात्मा, वह कबीर देव, कबीर जो कवि लिखे ना, हम इसको कबीर देव कहें, वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छे अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। अब यहाँ थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं के द्वारा। जैसे कहीं पर यजुर्वेद की महिमा, यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो, लिखी जा लिखी हुई हो, तो वहाँ केवल यजु भी लिखा हो, यजु हु, तो वो भी यजुर्वेद ही समझा जाता है। जैसे इसमें यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये ऊपर रह लग रहा है, इसको यहाँ दो अपसर्ग लगा के अलग अलग कर सकते हैं, यजुर्वेद, यजुहु कहते हैं इसको। लेकिन इसका भी ये देखिए, यजुर्वेद ये महर्षि दानंद सरस्वती ने अनुवाद किया है कंप्लीट, पूरे 40 अध्याय, 40 के 40 अध्याय का। ये कहाँ से प्रकाशित है? वही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, ये दूरभाष है, ये यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में ये कंसेप्ट क्लियर होता है जो दास करना चाहता है। ये है अष्ट षट त्रिशा अध्याय आरंभ, ये 36वां अध्याय षठ त्रीस है, यानी 36, षठ त्रीस माने 36। इसका प्रथम मंत्र है, इसमें रचम वाचम पर पधे मन मनो यदु, ये यदु शब्द है। इसका अनुवाद करते समय स्वामी जी ने खुद ही यहाँ पर कंप्लीट किया, यहाँ केवल यजु लिखा है, ये देखना, यहाँ पर अनुवाद करते समय ये केवल यजु शब्द है, यजु मूल संस्कृत में, तो इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस अगर ये नू नहीं लिखेंगे तो इस यजु का अर्थ क्या करेंगे, ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ केवल यजुर जो लिखा है ये यजुर्वेद की तरफ संकेत है, ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो यजुर्वेद, अब जैसे आपने ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यहाँ देखना, और इसका ये 26 नंबर मंत्र आपने देखा, इसमें लिखा है कि निर्जनम हरियंत, हरियता है कबीर अति, कबीर अति, इस कबीर का इन्होंने ऐसे लिख दिया, यु कवि बना दिया, कवि ही, हम इसको कबीर देव लिख दें, यहाँ पर कबीर देव वह ही लिखें और कबीर देव लिख दें, जैसा कि आपने यहाँ देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में ये लिख रहा है क्या, कबीर देव, तो हम इसको ऐसे ही लिख दें, ये कबीर देव है, हम इसको यहां भी इन्होंने इसको कवि को दो भागों बांट दिया, ये कवि मेधावी कर दिया, वह परमात्मा कवि, कवि का अर्थ कर दिया मेधावी है, कोई बात है, कवि का अर्थ मेधावी हो, अगर वो परमात्मा कबीर देव है, यो कबीर देव, ये लिखना चाहिए था, वह कबीर देव है, इसमें तो स्पष्ट लिखा है, अगर केवल कवि शब्द भी है जैसे इसमें है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में, वह कबीर अति, कबीर अचो, तो इन्होंने इसको अकेला सिंगल कबीर कर दिया और अचो यो नारा कर दिया, अचो, तो यहां हम लिख दें वह कबीर देव है। अब देखना, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, सारे संकट निवारण कर देता है, न खत्म कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में
परमात्मा कबीर देव हम यहाँ लिख दिया कबीर देव, जैसे यजुर्वेद लिखा यजु के स्थान, या यजु था उन्हें यजुर्वेद लिखना पड़ा, ऐसे कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27वें में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा धूलोक के प्रकाश पुंज परमात्मा, यानी तेज 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 पुंज का भगवान है वो, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहाँ से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। कबीर साहेब के विषय में दादू जी की वाणी है कि दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं काल बज्र की चोट। संत गरीब दास जी ने कहा है कि गरीब जमजौरा जा से डरें, मिटें कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 721 पर लिखा है कि यक अरज गुफ्तम पेस तो दर गोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब पर्वतगार। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी अपने साधकों के प्रारब्ध के पापों को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है और भविष्य में आने वाले संकटों का निवारण भी कर सकते हैं। देखिए, वेद जो है भगवान की महिमा का ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है, और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है, वेद सत्य है। यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश की है, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं अपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद इसका अनुवाद कर तभी मैं ऋषिदानंद है, देख कमाल की बात है, युद्ध भांग है पिया कर तक तो इंद्री उतरने नहीं देता ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षिदानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, महर्षिदानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया, मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से, 241 पृष्ठ पे है, अष्टमो अध्याय यजुर्वेद भाषा भाषे, ये 13वां मंत्र है 13वां। इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य एनस्य एवजनम असी, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनम असी, पितर कर्तस्य एनस्य एवजनम असी, आत्म कर्तस्य एनस्य एवजनम असी, अनस्य अनस्य एवजनम असी। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे, ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है, इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के एनस्य माने अपराध के, एनस्य एवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया, अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में, कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में, ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः, और ये कहाँ से प्रकाशित है, वैदिक अति यति मंडल वही है, और ये दान मठ गुहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गुहाना मार्ग रोहतक से, इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पर ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे सनेकरे सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे, बिल्कुल यहाँ है परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रांगी थोड़ी है, और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा बता कोई बात है, तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने।
और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़े ना गक दे तेरी अज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो ये करोथा कांड इन्होंने करवाया इसका यही कारण था, दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया, जय दानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दानंद के अनुयायियों को, ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये नू कानू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, इसे लिख कर भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में और ये यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में समाचार पत्र में कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में, वो तो दानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाल ला के वेदों के अर्थ निकाले हैं और वहाँ पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे, इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की और ताकि आप स्वयं देख सकें। अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब फिर अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम आठवें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देवकर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को, एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए एनस्य माने अपराध यानी पाप के, विनाश करने वाले हो, और पितर कर्तस्य पिता के किए हुए एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसने, अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो, एनस एनस अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप घोर पाप के नाश करने हारे हो, विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया। दर्शकों, पवित्र सदग्रंथों से यह सिद्ध होता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं जो साधक के पाप कर्मों का नाश कर वास्तविक सुख और मोक्ष प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। अब आइए जानते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने की असली विधि क्या है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन ये है। देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है।
ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविद है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा ओम ओम तत् तत् सत सत ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत उसको पाने का, ओम तो पुणात्मा सीधा है ब्रह्म सर पुरुष का और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है दो अक्षर का और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्णेशदास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। दर्शकों सदग्रंथों के अनुसार पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान केवल तत्वदर्शी संत ही दे सकते हैं, जो सभी धर्म शास्त्रों के आधार पर तत्व ज्ञान और शास्त्रानुसार भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। तत्वदर्शी संत की पहचान के लिए गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 में बताया गया है कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, जिसके जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियां व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी सदग्रंथों के अनुसार एक परमेश्वर की सतभक्ति का ज्ञान पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि शारदीय नवरात्रि जैसी मनमानी परंपराओं को छोड़कर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सतभक्ति करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज भी भारत के कई घरों में दुख दर्द कष्ट और समस्याओं ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि लोग अपने जीवन को निराशा और अंधकार से घिरा हुआ महसूस करने लगते हैं। हालात इतने विकट हो चुके हैं कि कुछ लोग तो जीवन से हार मानकर मृत्यु को गले लगाने के बारे में सोचने तक मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ही दुखद परिस्थिति से बाहर उभर कर आई है ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली मालती जी। ये पारंपरिक पूजा और साधना में बहुत श्रद्धा रखती थी, लेकिन भूत प्रेत बाधाओं और जीवन की अनेक समस्याओं ने इन्हें घेर लिया। जब कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ तो मालती जी को यह ख्याल आया कि अब जीवन को समाप्त कर देना ही एकमात्र रास्ता है। इस निराशाजनक स्थिति में इन्होंने अंततः उस परमपिता परमेश्वर को पुकारा। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही दिनों में इन्हें शरण प्राप्त हुई विश्व के तारणहार मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज जी की। संत जी ने इन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया और इनके जीवन की सभी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। दर्शकों अब आप स्वयं सुने मालती जी की मुंह जुबानी उनके जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार जी। सत्साहेब सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती है। आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर जिला पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? गुरु दक्षिणा ली थी हमने 2014 में। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा भी देते थे। 3-4 साल हमने गिरिराज जी की परिक्रमा भी दी थी और 3-4 साल गिरिराज जी की परिक्रमा देने के बाद फिर हमने शंकर भगवान का व्रत भी किया था, मतलब 16 सोमवार भी किए थे। उसके बाद में और भी उपास ही रहते थे हम बहुत ज़्यादा, 9 दरगाहों में भी उपास ही रहते थे, 9 दिन का उपास करते थे। जितना ही पूरा बनता था उतना पूरा मतलब अपने तर्मन से भक्ति करते थे कि सबसे ज़्यादा काली माता की भक्ति करते थे। काली माता को हम जितना मानते थे कि काली माता से ज़्यादा हम और किसी को मानते ही नहीं थे, क्योंकि हम यही सोचते थे कि यही जगत जननी और यही परमात्मा यही जगत जननी माता है, सबसे ज़्यादा हम माता ही को ज़्यादा मानते थे। क्यों? क्योंकि माता से हम यही सोचते थे कि 9 दिन की से उपास ही रहने से, इनसे उपास करने से हमारे सारे पाप सारे दुख दर्द सब दूर करने वाली हैं यही।
फिर जिनको हम जितना मानते थे उतना ही मानते 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 इनसे हमें ना इतनी परेशानी मतलब बढ़ती गई कि बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। परेशानी आने से हमें ना पूरे हमारे बच्चे भी परेशान होने लगे, हम भी परेशान होने लगे, हमारे पति भी बहुत परेशान रहने लगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे चक्कर में है ना, महीने में सिर्फ 8 दिन धंधा करना कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमको इस तरीके से परेशानी आ जाती थी कि कभी कभी तो हम अपने आप को ही ऐसे दीवारों में दे लेते थे, ऐसा कर लेते, मूड फूट जाता था, कहीं कुछ कर लेते, और ऐसी मतलब 24 घंटा है ना ऐसा पता नहीं पड़ता था कि क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं है, भूतनी सी भरी रहती थी। कोई कहता था कि इनके सिर माता आती है तो वो माता आती है तो वो माता ही मतलब परेशान करती है इनको, तो माता पे भी हम गए। जी बोले कि क्या नाम है, माता तो है लेकिन काली माता है, चलो तुम काली माता पूज आओ, इससे इनके काली माता पूजने से इनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। फिर हम मंदिर गए, हमने काली माता का पूजन किया, काली माता का पूजन किया तो और परेशानी बढ़ गई, और परेशानी बढ़ गई। फिर हमने किया कि जी क्या है, तो वो बोले कि चलो आसमानी माता एक तो आसमानी माता पूज आओ। तो हमने कहा कि चलो वो भी देख लेते भैया, आसमानी माता पूजने गए तो आसमानी से माता से ही बहुत परेशानी बढ़ गई, इतनी परेशानी बढ़ गई, इतनी परेशानी बढ़ गई कि परेशानी बढ़ने के बाद फिर हम तो जिस समझ लो हार मान के समझ नहीं पा रहे थे हम कि माता हमको मतलब क्यों सुख शांति नहीं दे रही, क्यों हमारी परेशानियों को दूर नहीं कर रही, हमसे ऐसा क्या गलती हो रही है कि हम जितनी माता को समझते थे उतनी हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, शंकर भगवान की भक्ति करते थे, हमको परेशानी परेशानी बढ़ रही थी, सुख शांति का तो कहीं नाम ही नहीं था। फिर हमने कहा कि ये मालिक अब तो तुम ही हो, कहती हैं कि सबका मालिक एक है, तो हमने उस मालिक को पुकारा कि मालिक अब तो तुम ही हो, हम ये परेशानियों को कब तक संभाले, हमने सबकी भक्ति कर ली, सब कर लिया, हमको अब इतनी सुख शांति क्यों नहीं दे पा रहा, इतना दर्द क्यों दे रहे हो कि हम अपनी जान को भी अब खोने पे मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने अब परेशानियों को बहुत ज़्यादा इतना समझ लिया था कि हम अब क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर तो हमने यही सोच लिया था कि अब रोज़ रोज़ मरने से अच्छा, रोज़ रोज़ ऐसी परेशानी उठाने से अच्छा जहर खा लो, इससे जीवन रहेगा ना जी शरीर रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म ही हो जाएगा, तो परेशानी से दूर तो हो जाएंगे, इतनी परेशानी मिल रही है। बहन जी फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो हम ऐसे गए कि हमारे है ना एक पास में एक सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते थे, उन्होंने कहा था कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाओगे तो आपको है ना जो सारे दुखों से परेशानी से सबसे छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्व परमात्मा वहाँ पे भक्ति और ज्ञान को समझाते हैं और सही मार्ग सही रास्ता बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने से हर इंसान का हर परेशानी का हल मिल जाता है और सारे दुखों का संकट मिट जाता है सारा। तो फिर एक दिन हमारे भगत मतलब पति कह रहे थे कि अपन वहीं पे चलते हैं, तुझको परेशानी ज़्यादा रहती है तो अपन वहीं चलते हैं। फिर एक दिन जब तड़पते हुए मेरे को दर्द ज़्यादा बढ़ गया, मेरे शरीर में ऐसी हानि होने लगी, इससे मुझको ऐसा लगे कि मैं अब अपने ये क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही थी, मुझको बस इतनी घबराहट होने लगी दर्द के मारे कि 3 दिन तड़पते तड़पते मेरे दर्द के मारे ना खाना ना पीना ना पानी कुछ भी सब छूट गया मेरा। अब तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़िंदगी में तो अब मुझे चाहिए ही नहीं है जी ज़िंदगी, ऐसे तड़प से मरने से इस तड़प तड़प के मरने से अच्छा तो इस ज़िंदगी को मैं एक बार ही ख़त्म कर दूँ, जिससे मैं तड़प तड़प के मरने से बढ़िया तो मैं एक बार ही मर जाऊँ। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मुझे जहर खाना है। फिर मैंने जहर खाने के बाद सोची तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज का वो हमको शिष्य मिला था, वो इनको बता रहा था कि वहाँ जाने से सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पे जाओगे तुम्हारी सारी परेशानियाँ वहाँ से दूर हो जाएंगी। फिर मैंने कहा कि बता रहे थे वो सद्गुरु रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से परेशानी दूर हो जाती है, तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि अगर सद्गुरु रामपाल जी महाराज अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप भगवान हो या कोई भी थोड़ा बहुत आप में शक्ति है तो मेरे को बस इतना आराम दे दो कि मेरे जहाँ इसके दर्द के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे इतना दर्द हो रहा है, इस दर्द में मुझे रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दो आप। अगर आप मुझे रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दोगे सतगुरु रामपाल जी महाराज तो मैं आपकी शरण में आऊँगी, सारे देवी देवता को त्याग दूंगी, मैं किसी की भक्ति नहीं करूँगी, ना किसी के पास जाऊँगी, कभी किसी का नाम नहीं लूँगी, सिर्फ तुम्हारे सिवा। सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे बस रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दो बस। इतना तो मैंने कहा, इतना मैंने सोचने के बाद कहने के बाद मेरे मन में एकदम से सोचने के बाद ऐसा लगा मुझे कि जो रुपया मैंने चवन्नी बार आराम मांगा था मेरा पूरा का पूरा दर्द इस तरीके से निकल गया जैसे कभी हुआ ही नहीं था। मैंने उठ के खड़ा होगा कि देखा मैंने एकदम से सारे शरीर को मैंने देखा मेरे दर्द हो रहा था, मैंने पूरा दर्द इस तरीके से महसूस किया तो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि दर्द है कि नहीं, वो दर्द गया कहाँ। फिर मैंने कहा कि जी दर्द मैंने परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज को नाम लेने से ही दर्द चला गया, तो जो तो बड़े शक्ति और पूरे परमात्मा पूर्व परमात्मा तो फिर यही है, अभी तक हम कहाँ भटक रहे हैं कहाँ फिर रहे हैं, जबकि परमात्मा का नाम में इतनी शक्ति है तो जब उनके जहाँ जाएंगे तो कितना आराम मिलेगा। फिर मैंने कहा इनको बुलाया जल्दी से जल्दी हमारे पति को बुलाने से मैंने कहा कि अब तुम जाओ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य के पास जाओ कि वो कब जा रहे हैं वहाँ पे बरवाला आश्रम जाएंगे अब तो हम कोई किसी की भी नहीं मानेंगे और किसी की हमें भक्ति नहीं करनी, सब त्याग दो बिल्कुल भक्ति, अब हमको किसी की भक्ति नहीं करनी, हमने भक्ति करके देख ली कि हमको क्या मिला है, अब हमको जो मिला है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने से जब मिल गया हमको सब कुछ, तो हमको अब क्या भक्ति में रखा है, हमने सारी भक्ति देख ली, अब हमको कोई भक्ति नहीं करनी,
सारी भक्ति त्याग दो और हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास ले चलो अब तो। फिर बरवाला आश्रम हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास गए। सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से हमने नाम दक्षिणा ली थी। नाम दक्षिणा लेने से फिर हमें उनने ज्ञान बताया था कि ऐसे ऐसे भक्ति करो, परमात्मा की पूर्व परमात्मा की भक्ति है जी। बहन जी, आपने बताया कि आपने जहर खाने की ठान ली थी, आप बहुत अपने जीवन से परेशान हो गए थे और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने मात्र से ही आपका जो दर्द था सिर रिमोट ठीक हो गया। फिर आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए तो आपको और क्या लाभ मिले? फिर परमात्मा की हमने नाम दक्षिणा ली। नाम दक्षिणा लेने से परमात्मा की हमने भक्ति करी। भक्ति करने के बाद उनका ज्ञान समझा, उनका सही जो हमको परमात्मा ने सही भक्ति दी थी सद्भक्ति उसको समझा। उसको भक्ति को करने से फिर हमारे मन के जो पूरे परमात्मा की जो पूरी धारा थी वो हमको सही रास्ता सही मंजिल मिल गई। और सही रास्ता सही मंजिल मिलने से फिर हमको सारी परेशानियों से ऐसा छुटकारा मिल गया कि परमात्मा ने हमसे ये समझ लो मालिक की भक्ति ज्ञान करने से हमको इतना लाभ हुआ कि अब तो हम बता ही नहीं सकते। क्यों? बताने से भी, क्योंकि मालिक की जितने बताएंगे उतना शब्द कम है हमारे लिए, क्योंकि परमात्मा मालिक की भक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे दुखों को संकटों को सबको दूर कर देती है। उसके बाद में फिर एक दिन हमारा बच्चा बीमार हो गया था, उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं दवाई दवा लाऊँ, तो उसको दवाई दिलाने गई, उसके सिर पर बुखार चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा सिर पे बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ने के बाद सिर पे डॉक्टर भी घबरा गया, डॉक्टर ने भी पसीना छूट गया था डॉक्टर का भी, कहने लगा कि इसके दिमाग पे बुखार चढ़ गया है। फिर उसने इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगा, बर्फ की पट्टी रख दी। पट्टी रखने से उसका बुखार थोड़ा उसको ऐसा दिखने लगा कि कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा घबराने लगा वो बहुत ज़्यादा। घबराते फिर मेरा बच्चा कहने लगा कि मम्मी अब मेरे को बहुत हालत ख़राब हो रही है। मेरी डॉक्टर भी बोले कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे। फिर मैंने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया कि ये परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो तुम्हारी शरण में हैं, अब तुम जैसे राखो वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं, अब तुम ही जानो। बस मैंने इतना तो कहा, उसका एकदम से शरीर ठंडा पड़ गया, तो वो अपने आप आकर कहने लगा कि मम्मी चलो अब तो यहाँ से। तो मैंने कहा कि बेटा क्या तुम्हारा बुखार उतर गया? हाँ मम्मी मेरा पूरा बुखार उतर गया, मैं देखो बिल्कुल सही हो गया। तो मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज को परमात्मा को दंडवत करने के बाद फिर मैंने मालिक से कहा कि ये परमपिता परमात्मा बस सतगुरु रामपाल महाराज अब तुम ही हो, अब मुझे और किसी की वो नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में फिर एक दिन मेरी लड़की भी ऐसे ही बुखार का ताव उनको भी चढ़ा, बुखार उसको भी चढ़ा, तो वो भी ऐसे ही उसके भी हमारे कभी बुखार नहीं आता था वैसे, वो उसके दिमाग पे फिर उसके पे भी चढ़ गया बुखार। फिर मैंने कहा कि मैं अब कहीं नहीं जा रही, चाहे मरो चाहे जियो चाहे कुछ भी करो, परमात्मा अब तुम ही जानो, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज अब तो हम तुम्हारी शरण में और तुम ही राखोगे तैसे रहेंगे। अब मैं कहीं भी नहीं जा रही, क्योंकि परमपिता परमात्मा अब तुम्हारे लिए हमने ये जीवन सौंप दिया, अब तो तुम्हारे हाथ में इस जीवन को, चाहे तुम जैसे भी राखोगे उसी हाल में रहना है अब तो। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज इतनी मेहनत करके मैंने कहा बच्ची से कि बेटा जा, सतगुरु रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत करके आ। फिर मैंने भी दंडवत की, उसको जल दिया, प्रसाद दिया, और बस परमपिता परमात्मा को जल प्रसाद पाने से ही और दंडवत करने से ही उसका एकदम से शरीर था वैसी की वैसी हो गई, और कहने लगी कि मम्मी अब मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि अब तेरा तबीयत ठीक हो गई तेरी थोड़ा? मम्मी मेरे को तो अब कोई तबीयत है ही नहीं बिल्कुल, मेरा अभी एकदम से ऐसा जी घबरा रहा था, अब तो एकदम से मुझे ऐसा आराम मिल गया कि कुछ था ही नहीं, तो मेरी एकदम से हालत सही हो गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद में एक दिन मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का दंडवत करने करते 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 मुझे ध्यान आ गया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की दंडवत करते करते मैं सोच रही थी कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ हो। बाथरूम की सफाई कर रही थी मैं, टाइल्सों पे तेजाब से सफाई कर रही थी। तेजाब से सफाई करने से टाइल्सों पे सफाई करते करते ब्रश से एक दिन एकदम जाना क्यों मेरी एकदम से अचानक से आँख में तेजाब चढ़ गई। जब आँख में तेजाब उठी तो एकदम से मुझको ऐसा लगा कि मेरी आँख एकदम से बहुत ज़्यादा आँख फूकने लगी मेरी आँख में। तो फिर मैंने एकदम से घबरा के एकदम से सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो मुझको मिला है दूसरा नाम मिला है परमात्मा का, दूसरे नाम का मैंने जाप स्टार्ट कर दिया। दूसरे नाम का जाप स्टार्ट करते करते एकदम से आँख पड़ने लगी। मेरे बगल वाली जो मेरी पास वाली थी, सब मेरे बच्चे थे, वो सब बोले कि क्या हो गया मेरे आँख में तो तेजाब चढ़ गई। तो सब जने घबरा गए। घबराने के बाद वो बोले कि चलो डॉक्टर के चलते हैं। मैंने कहा मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगी। वो बोले क्यों? तुम डॉक्टर के नहीं जाओगी तो तुम्हारी आँख फूट जाएगी। मैंने कहा मेरी आँख फूटती है तो फूट जाए, मुझे आँख की भी चिंता नहीं है, और आँख फूट जाए तो फूट जाए। मैंने तो बस सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है। अगर मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे रामपाल जी महाराज जी आँख को अगर उनको फूटनी होगी तो फूट जाएगी, और उनको अगर सही करनी होगी तो कर देंगे। मैं अब कहीं भी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगी। फिर वो बोले कि जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर मेरी बच्ची बोली कि मम्मी
तुम इस आँख में थोड़ा सा जल डाल लो मालिक का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का जल डाल लो और प्रसाद खा लो। अमृत जल होता है ना, वो हमने आँख में डाला और पिया, और पीने के बाद अमृत जल को फिर उसके बाद में प्रसाद खाया, और फिर मैं दंडवत करके अपना परमात्मा का नाम याद करने लगी। नाम याद करने के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैंने दंडवत प्रणाम करके और वहीं पे अपनी माला करने लगी। माला करते 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 एकदम से देखा मैंने, कुछ बस 10 मिनट ही हुए होंगे, 10 मिनट के बाद देखा तो मैंने मेरी आँख में ऐसा लगा कि कुछ था ही नहीं, मेरी आँख दोनों बिल्कुल एक सी हो गई, एक सी हो गई। तो मैंने दिखाया सबको, तो कह रही अभी तो तेरी आँख बिल्कुल लाल ऐसे हुई थी कि ऐसा लगता है कि कुछ दिखाई नहीं रहा तुझको भी, और अंधी हो गई ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि आँख बिल्कुल ऐसा खून उतर आया था, आँख में खून उतर आया था, बिल्कुल लाल लाल पड़ गई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये सांप होगी कि नहीं होगी। इतना खून देखने के बाद सब जने घबरा गए थे कि आँख तो अब जी मुश्किल है कि बचे, क्योंकि तेजाब चढ़ जाती है तो अपन नेक हाथ पे या कुछ पे भी तेजाब चढ़ जाती है तो उससे कितनी आँख पड़ती है, किस तरीके से वो नुकसान बताती है अपन को नुकसान। लेकिन मेरी आँख में भी खून उतर आया था, लेकिन मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज की परमात्मा के शरण में आने से मेरी आँख दोनों देखो जैसी की जैसी है। उस दिन हल्के हाल सब जो मेरे पास के थे सब लोग कहने लगे कि आज ये क्या चमत्कार था। फिर थोड़ा बहुत उनने भी कहा कि हाँ ये पूर्ण परमात्मा है, इनमें है शक्ति। और मैंने कहा कि मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है कि देख लो, उन्हें हाल बता दिया तुमको 10 मिनट। आप तो कह रहे थे कि डॉक्टर के पास चलो, मैं कहती हूँ मेरे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, जो कुछ करने वाले हैं वो ही करने वाले हैं, क्योंकि उनके सिवा कहीं भी कुछ नहीं है। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है चैनल पे, उसको देखिए, उसको समझने के बाद देखने के बाद आप समझिए कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। क्योंकि हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के सिवा यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। देख लिया हमने इस दुनिया में रह के, इस संसार में देख लिया हमने, कितने दिन से हम रह रहे हैं और देख रहे देखते आ रहे हैं, कितनी भक्ति कितनी करने के बाद भी हमको क्या मिला था, और आज हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए तो सारे सुख सारे दुख दूर हो गए और सारे सुख देख लिए हमने। और सुख देखने के बाद आज हमको महसूस हुआ है कि जो मानव जन्म हमको मिला है इसका क्या मूल है, अनमोल जीवन का आज हमको पता पड़ा है। क्योंकि सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने बताया हमको कि अनमोल जीवन को इसको संवारिए, उस भक्ति पे लगाइए जो भगवान अपना है, वो सबका मालिक एक है, उसको समझिए। क्यों? क्योंकि उसके सिवा हमारे लिए कोई कहीं भी नहीं है। क्योंकि सद्गुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं अपनों कि उस भगवान को समझने से ही अपने सारे दुख सारी परेशानियां दूर होंगी। क्यों? क्योंकि सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि सद्गुरु शरण में आने से आई टले बला, और जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। परमात्मा कहते हैं कि उस मालिक का ध्यान करिए, और सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने हमको सही भगवान का रास्ता बता दिया है, वो है परमात्मा कबीर साहिब, कबीर पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।